पहुंच चुके हैं एंड गाड़ियां पे पार्क कर दिया और वो नीचे है, हमें यहाँ से जाना होगा आगे से। तो गाइस फिलहाल हम चल पड़े हैं पैदल पैदल, थोड़ा सा पैदल चल के थोड़ा आगे आएगा। फिलहाल तो सभी लोग आ जा रहे हैं लेकिन मैं भी चल रहा हूँ आस्ता आस्ता। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के स्टॉल लगते हैं, यहाँ पे आपको हर तरह के स्टॉल मिल जाएंगे, सारे मिठाई वगैरह कुछ भी लेना हो। अच्छा तो गाइस फिलहाल यहाँ पे शूज़ खोलते हैं बिकॉज क्योंकि बाहर होता है ना रश, तो कोई भी चोर आके ले जाएगा तो फायदा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे खोलते हैं अपने शूज। फिलहाल लाइन में लगे हैं और एक काफी लंबी लाइन लगी है। तो वही दर्शन वगैरह कर लिए हैं एंड अभी लंच करेंगे क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं की, तो यहाँ पे कुछ इतनी लंबी लाइन लगी है खाने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइस अपना ब्रंच आ चुका है, ब्रेकफास्ट और विद लंच मिक्स बोलते हैं ब्रंच। तो गाइस पेट भी हो चुकी है एंड फिलहाल शूज लगाते हैं। तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं घर एंड इस मंदिर की मेन चीज ये है क्योंकि अगर आप कुछ भी मांगते हो मतलब दिल से मांगते हो और वो पूरा आपको मिल जाता है इस मंदिर की, इसलिए यहाँ पे इतने लोग आते हैं। वैसे आज काफी मजा आया, पूजा वाजा कर ली, सारी मन्नत जो मांगी थी वो पूरी पूरी कर ली और कुछ और मांग ली है। तो गाइस जैसे मैंने एस्टिमेट लगाया था ना कि हम 11:50 पे पहुँच जाएंगे, हम पहुँच गए थे और हम 11:55 पे हमने लाइन में लगे, अब अगर हम लाइन में लगे क्योंकि इतना रश था और हमने खाना खाया 12:30 तक खाना खाया हमने और अब हम जा रहे हैं घर वापस। और फिलहाल समय हो रहे हैं 1:07 और हम अभी फ्री हुए हैं पूरा सब कुछ कर फूट के। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड बुरी हालत हो चुकी है यार, सफर में तो हालत खराब हो जाती है। तो गाइस यही था आज का सफर एंड इस व्लॉग में एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो डिसलाइक एंड नीचे कमेंट बताना कि कैसा लगा, और अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस बार जैसे तैसे शेयर जरूर करना यार प्लीज, शेयर करने से यार खुशी मिलेगी और सब्सक्राइब करने से भी मेरे को मोटिवेट मिलेगा कि यार वीडियो मैं आप डेली अपलोड करूंगा। जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Entombed in my mind, can't seem to break away.